पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नया मुरादाबाद स्थित महाकालेश्वर धाम मंदिर में महिलाओं के द्वारा सुंदर भजनों का गायन किया गया और माता रानी के सातवें स्वरूप की उपासना की गई। आज चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन है। ये दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि नवदुर्गा का सातवां स्वरूप है। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत उग्र और भयानक है। ये तीन नेत्रधारी है। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड़ग और कांटा है और इनका वाहन गधा है। लेकिन माँ कालरात्रि भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। माता रानी की उपासना करने से शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना अत्यंत शुभ होती है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। कालरात्रि की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देता है। आज माँ भगवती का सप्तम नवरात्र है, जिसको कालरात्रि के रूप में जानते हैं, क्योंकि माँ भगवती के नौ स्वरूप हुए हैं। प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, कुशमुंडा, चतुर्थकम, पंचम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी चा, सप्तम कालरात्रि चा, महागौरी चा, अष्टम नवम सिद्धधात्री चा, नवदुर्गा प्रसिद्धि। माँ भगवती के नौ स्वरूप हैं। नौ में आदिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। महाकाली का स्वरूप माँ भगवती का सप्तम रूप होता है, जो कि नवरात्रों के मध्य में आज माँ भगवती का सप्तम दिवस है। सप्तम दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रत्येक दिन माँ भगवती के आराधना, पूजन, संकीर्तन, पूजा पाठ, अर्चन इत्यादि होता है, जो कि नित्य प्रति सभी महिलाओं के द्वारा भजन संकीर्तन होता है। माँ के छंद, माँ की घंटे गाई जाती हैं, जिसकी टाइमिंग 3:30 से 5:30 तक होती है। इसमें काफ़ी श्रद्धालु आकर के माँ भगवती से आराधना करते हैं, निवेदन करते हैं। मंगला मंगलमुखी, मंगल करें नर नार में, चंड का चढ़ शेर पर, सुख दें सकल परिवार में। सबके घर में मंगल ही मंगल होता रहे, और ये हमारा वर्ष भी मंगल से ही शुरू हुआ है। मंगल को जन्मे, मंगल में करते, मंगल में हनुमान। मंगलवार से ही ये सत्र हमारा, ये नववर्ष शुरू हुआ है, हिंदू नववर्ष। इस वर्ष के राजा भी मंगल हैं। तो ये मेरी कामना है कि सबके घर में हमेशा मंगल ही मंगल होता रहे। हमारे जितने के जीवन के जितने अमंगल हैं, जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, उन सबका विनाश हो, ये माँ भगवती से हम सबका निवेदन है। उनके चरणों में प्रणाम है। उनको देवी नहीं, हम महादेवी कहते हैं, क्योंकि सभी देवताओं ने उनकी आराधना की है, इसलिए उनको महादेवी के स्वरूप में हम जानते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।